ये देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत काम कर रही है, करोड़ों रुपया लग गया अथॉरिटी बनाने में, अखराजात हो रहे हैं, गाड़ियां दी जा रही हैं, इंतजामात हैं, ऑपरेशनल मामला देखे जा रहे हैं, लेकिन यह है असल चेहरा, यह है मकरू चेहरा पंजाब फूड अथॉरिटी का। साफ हलाल खुराक आम इंसान को खिलाना चाहते हैं। यकीन माने कि हम वो मनाजिर सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, वो बदबू आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जो इस वक्त यहां पर मौजूद है, हमारे अंदर तक वो बदबू इस वक्त समाई हुई है। ये देखिए एक और कड़ाया, मैं गिनती करता जाऊंगा बाद में, ये वाला अभी इसके नीचे आग जलानी बाकी है। ये देखिए हमने आपको एक ट्रक भी दिखाया था जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सामान लेकर जाता है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता है इस हराम चर्बी के हवाले से। ये वो ड्रम्स हैं, इसके अंदर चर्बी मौजूद है। हम इसको भी अभी खोलेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर चर्बी मौजूद है और क्या इसको किस तरह से सप्लाई किया जाता है। ये पूरी नेटवर्क है, चेन है, माफिया है जो इसको चला रहे हैं, लेकिन दावा सिर्फ एक है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। आपने मुतालिका थाने का रवैया देखा कि किस तरह से बादशाहों की तरह बातें करते हैं। ये देखिए मुलजिम फरार हुआ है, ये काला धंधा करने वाला शख्स यहाँ पर आराम कर रहा था, आप देख सकते हैं बिस्तर हटा हुआ है, रजाई हटी हुई है, यहाँ से फरार हुआ है। पुलिस ठीक 150 मीटर के फासले पर, तमाम इदारों के पर जल गए, तमाम सिक्योरिटी इदारे, उनके इंतजामात, उनकी तमाम तरबियत तैयारी खाक में मिल गई। कोई शख्स इन मामलात को देखने वाला नहीं था। हम अंदर जाएंगे, आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मामलात हो रहे हैं। हमने तमाम सहाफती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कानूनी तकाजों को पूरा किया था, हमने तमाम इदारों से राबता किया जिनमें एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल है। कैमरा दिखा सके, ये देखिए क्या बुरे हालात हैं। आंतों में मुकम्मल तौर पर पूरा पूरा जानवर अंदर फेंका गया हुआ है, जिसके आंते करूंगा। एक कैमरे को किस साइड पर आए, ये वो नाली है जिसे चर्बी आगे भेजी जाती है और ड्रम लोड होते हैं। ये देखिए पूरा सिस्टम मौजूद है, नालियां बनाई गई हैं जो चर्बी को आगे तक पहुंचाती हैं, इस गलाजत को मेरे आपके बच्चों के खानों में, मेरे आपके अहले खाना के खानों में, उन औकात में जब हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे होते हैं और कोई ना कोई शादी करने जा रहे होते हैं, कोई अफसोस गम फौतगी का मामला होता है, देगे पकवा रहे होते हैं, पकौड़े सड़क से खा रहे होते हैं, कोई पापड़ लेकर खा रहे होते हैं, या कोई भी सड़क किनारे बनने वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये वो हालात हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के। ये वो चेहरा है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के इब्तदा से लेके अब तक, लेकिन खुदा जानता है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें, मेरा कैमरा आपको दिखाए किस तरह से मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है जो जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फोग के बाद अब स्मोक का अजाब जो है वो कौम के सर पर एक अजाब की सूरत हासिल कर चुका है। हर तरफ ये बात की जाती है कि स्मोक पाकिस्तानियों के लिए एक अजाब बनकर आया है, ये अजाब इलाही नहीं है, ये याद रखिएगा, ये हमारे करतूत हैं, हमारे इदारों की नालायकियां हैं, नाअहलियां हैं, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ये मटेरियल जलता है, धुएं के अलाव उठते हैं। अभी बताया गया कि पुलिस यहां पर पहुंची है, ये वही पुलिस है जिसने हमारे साथ आने से इनकार किया इन लोगों को भगाने के लिए। यहाँ पर 22 से 25 कड़ाहे चल रहे हैं जिनमें मनो नहीं तनों के हिसाब से मटीरियल तैयार किया जा रहा है, हराम चर्बी तैयार की जा रही है। पुलिस को पहले रास्ता नहीं पता था, आज अभी बताया गया कि वो यहां पर आई है, लोग फरार करवा दिए गए, 25 से 30 लोग मुलाजमत करते हैं सारी रात इस जगह पर, वो मकरू धंधा, हराम कारोबार, हराम काम करते हैं, खुराक के नाम पर उसको मिलाते हैं। पुलिस आने को तैयार नहीं थी। मैं ये दिखाना चाहूंगा, नीचे आग जल रही है, ये फाइनल स्टेज के करीब है, फाइनल स्टेज के करीब वो चर्बी है जो बिल्कुल कल तैयार की गई थी, इसकी फुटेज भी मौजूद थी, आज इसको दोबारा पिघलाया जा रहा है। ये देखें हीट उठ रही है,
हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो रही है। मौसम ठंडा होने की वजह से रात भर में जम जाती है। ये देखिए उबाले यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ही देर में ये कढ़ाया बिल्कुल नरम हो चुका होगा जिसको इन ड्रमों में डाला जाएगा। ड्रमों के हालात भी आपको दिखाते चलें, जिनमें हमारे लिए कुकिंग ऑयल के नाम पर हराम मकरूह और मुजरे सेहत खाने तैयार करने का इंतजाम किया जाता है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी तौर हिफ्जान सेहत के असूलों पर पूरी नहीं उतरती, रियासत का खूबसूरत चेहरा नहीं बनने दे सकती। हम चीख चीख कर ये बताते हैं आला ऐवानों को, उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं, बार बार बताते रहे हैं, पूरा मीडिया इस चीज पर दुहाई देता रहे। ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया अब खुद ही जलाना होगा। टीम लाहौर पूछता है ने अपने हिस्से का दिया तो रोशन कर ही दिया है, देखना यह है कि मुर्दा जमीर कब जागेंगे।